ల్యాండ్ ఓనర్ సెక్షన్ 30 సౌండ్ డివిజన్ చినని मैं सबसे पहले अपील करता हूं गवर्नर साहब से कि हमने लैंड ओनर डोनेट की है डिपार्टमेंट को और हमने 8-8 साल हो गए डिपार्टमेंट को लैंड डोनर दिए हुए। उस वक्त गवर्नर गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि इनको परमानेंट नौकरी देंगे और आज हमें ये डेली वेजर में कन्वर्ट किया है इन्होंने। हमारा 6-6 साल का बकाया वेतन अभी तक गवर्नमेंट के पास है। अगर इन्होंने हमारा ये बकाया वेतन नहीं देना है तो हमें हमारी जमीन जो हमारे पास रहेगी हम डिपार्टमेंट को नहीं देंगे और हमारा बकाया जो हमने काम किया है उसको हमें वेतन देना चाहिए। अगर नहीं तो हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे और हम ये पानी नहीं चलेगा जब तक हमारा परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी। और हम लोग आम लोगों से माफी मांगते हैं कि पानी बंद है तो ये गवर्नमेंट की वजह से है, बीजेपी की सरकार की वजह से है। और इन्होंने वायदा किया था 2014 में कि हम डीडीसी इलेक्शन के बाद हम आपको परमानेंट पॉलिसी देंगे। अभी तक हमारे पीएचसी के जितने भी डेली वेजर हैं किसी की भी पॉलिसी इन्होंने लागू नहीं की है। हम ये स्ट्राइक तभी कर रहे हैं कि जब तक हमारी परमानेंट पॉलिसी शुरुआत करेंगे शुरू करें तो हम अपनी स्ट्राइक को अभी खत्म कर देते हैं। जय हिंद। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि ये हमारी आवाज़ जो है गवर्नर तक ये पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, सेक्रेटरी तक पहुंचती है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये बता देना चाहता हूं, देखो आज हम 23 तारीख से यहां स्ट्राइक पर बैठे हैं और सप्लाई जो है लोगों की ठप पड़ी हुई है। कहीं चौथे पांचवें दिन कहीं थोड़ा बहुत पानी चलता है, ना के बराबर। हम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमने उसी दिन लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि हम आपका पानी बंद नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें क्या करें, हम तो न मरने के रहे न बचने के रहे। अब जो है हमारे अभी एक साथी सतपाल जी ने बताया, देखो कुछ लोग तो ऐसे जा रोते रोते हुए जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएंगे। कुछ साथी हमारे मर चुके हैं, सुसाइड कर लिया, रोज घर में लड़ाई लग जाती है, बाल बच्चे यही सोचते हैं पापा कुछ लाए होंगे, लाएंगे कहाँ से। 6 साल की पेंडिंग वेजेस पड़ी है, मैंने कल भी यहाँ बोला था कि 6 साल की पेंडिंग वेजेस है, पापा क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या दिखाएंगे। और हमारे घर में देखो कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हम दवाई नहीं ला सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम भूखमरी का शिकार हो चुके हैं और इतने तंग हो चुके हैं कि अब हमें लगता है कि हम भी कुछ खा के सुसाइड करें। लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि हम बाल बच्चों समेत सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे। हम जो जितने भी ये पीएचई वर्कर 22,000 जो भी है फिगर है तो हम रोडों पर खड़े हो जाएंगे। सरकार ने गोली चलानी होगी गोली चलाना, लाठी चलानी होगी लाठी। क्या सरकार चाहती है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं देना है, उनको तनख्वाह नहीं देनी है, और जो क्या अब ये सरकार क्या चाहती है। 60,000 जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डेली वेजर सफर कर रहा है, कोई 60 के करीब उसको रिटायर कर चुका है, कोई जो है किसी का साल बचा है, किसी के 2 साल बचे हैं, 6 साल से बकाया वेतन। क्या ये अगर इनको वेजेस ना मिले घर में इनके रोज हमारे घर में रोज लड़ाई लग जाएगी। क्या अब ये दूसरा रास्ता अख्तियार करें, क्या अब ये मिलिटेंट बने, क्या हम कोई बंदूक उठाएं और जो है तब हमें हक मिलेगा। फेसफुल तरीके से हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है और ना हम लोग सारे डेली वेजर। एक चीज में और आपको साफ करना चाहता हूं कि हमारा जो डेली वेजर है वो उसने काम छोड़ा है, वो कहीं भी पाइप को हाथ नहीं लगा रहा है, ना कोई पाइपें तोड़ रहा है, वो फेसफुल तरीके से अपना हक मांगने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और हम अपना हक मांग के ही उठेंगे, लेके ही उठेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी 3 ही डिमांडें हैं, सरकार चाहे तो आज उनको जो है वो पूरा करे, हम उठ के अपना जो है लोगों की सेवा करेंगे। हमने
पीछे भी 22 साल 30 साल से लोगों की सेवा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। हम ही लोग थे जो जमीन पर ग्राउंड पर हम काम करते हैं और आज जो परेशानी क्रिएट हो रही है यही इन हम लोगों ने काम छोड़ा है और काम करेगा कौन। जो यहाँ पे हर जगह जो है परमानेंट अप्लाई जो है 10% लोग रह गए, 90% डेली विजर है। सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज करे। हमारी जो मेन डिमांड है वो रेगुलराइजेशन पास ही है। जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होगी तो ये जो जो लड़ाई है जो जो ये स्ट्राइक है ये बढ़ती जाएगी। हमें चाहे अगर सरकार के पास ये तीन डिमांड नहीं होती है कम से कम एक कोरे कागज पर निकाल दे और सबको निकाल दो और जो है हमारे लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। हमारी जो है 6 साल की वो पेंडिंग वेजेस दीजिए और टाटा और बाय बाय बाय। इसी के साथ में यही अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी पेंडिंग वीजा रिलीज करो और रेगुलर पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं?